सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल नोट्स को और लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को। हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के कॉम्बिनेशन लॉजिकल सर्किट के आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग डिजाइन करना सीखने वाले हैं 1:8 डी मल्टीप्लेक्सर। सो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल नोट्स। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डी मल्टीप्लेक्सर की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, साथ ही 1:4 डी मल्टीप्लेक्सर्स को डिजाइन करना भी बताया था। तो अगर आपने हमारे पिछले ट्यूटोरियल को नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको आज का ये वीडियो आसानी के साथ क्लियर हो सके। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1:8 डी मल्टीप्लेक्सर। देखिए, 1:8 का मतलब क्या, इनपुट लाइन होगा हमारे पास 1 और आउटपुट लाइन कितना होगा 8। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं 2^3 बराबर कितना होता है 8, मतलब सिलेक्शन लाइन हमारे पास कितनी होगी 3 और आउटपुट लाइन कितना होगा 8। तो पहले हम इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। देखिए, ब्लॉक डायग्राम देखें तो यहां पर है DMUX 1:8 डी मल्टीप्लेक्सर, इनपुट होगा 1 मान लीजिए I0, आउटपुट निकलेगा आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, Y0, Y1 से लेकर के Y7 तक। और आपको जो सिलेक्शन लाइन होगी, सिलेक्शन लाइन की संख्या होगी 3, S0, S1 और S2। ठीक है, तो ये हो गया इसका ब्लॉक डायग्राम। यहाँ से आप इनपुट करेंगे, देन यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा। एक बार में कोई एक आउटपुट ही एक्टिव होगा, कौन सा आउटपुट एक्टिव होगा तो वो सिलेक्शन लाइन के इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब सिलेक्शन लाइन के इनपुट क्या क्या हो सकते हैं उसके लिए हम लोग देख लेते हैं ट्रुथ टेबल। ठीक है, यहाँ पर हमारा सिलेक्शन लाइन है S0, S1 और S2 और आउटपुट हमको मिल रहा है आउटपुट लाइन। ठीक है, देखिए इनपुट क्या हो सकता है 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। देखिए, अगर आप इनपुट करते हैं सिलेक्शन लाइन के थ्रू 0 0 0 तो यहाँ पर हमारा Y0 जो आउटपुट है वो एक्टिव होगा। अगर 0 0 1 इनपुट होगा तो यहाँ Y1 एक्टिव होगा। वैसे यहाँ Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 और Y7। ठीक है, जैसे सिलेक्शन लाइन का इनपुट होगा उस बेसिस पे वो आउटपुट लाइन एक्टिव होगा। इनपुट तो यहाँ से हम लोग देंगे बट कौन सा आउटपुट एक्टिव होगा तो वो सिलेक्शन लाइन के इनपुट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए अब इसका सर्किट डिजाइन करना हम लोग देखते हैं। तो सिलेक्शन लाइन कितने हैं 3। तो देखिए, पहला सिलेक्शन लाइन है S0। ठीक है, तो ये सीधा अपना आ गया S0 सिलेक्शन लाइन। देन इसका नॉट कर लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग 0 लाइन को सप्लाई करेंगे। ये लाइन हो जाएगा 1 का, ये लाइन हो जाएगा 0 का। वैसे नेक्स्ट है S1, ये हो गया S1 का लाइन और इसमें 0 के लिए नॉट सप्लाई कर देते हैं। ये हो गया, ये 1 का लाइन है, 0 का लाइन। वैसे S2 के लिए ये 1 का लाइन हो गया और ये 0 का लाइन हो गया। ठीक है, चलिए अब हम डिजाइन करते हैं। पहले देखिए इनपुट कितना है 1, I0 इनपुट, और यही इनपुट आप सभी में सप्लाई करेंगे। ठीक है, सभी के लिए यही I0 इनपुट सप्लाई होगा। अब देखिए, जब तीनों की वैल्यू 0 0 है तो Y0 एक्टिव हो रहा है, तो S0 का 0 लाइन, S1 का 0 लाइन और S2 का 0 लाइन, इन तीनों 0 लाइन के साथ ये जो इनपुट है इसको आप एक साथ एंड गेट के थ्रू जोड़ देंगे। तो यहां से आपको आउटपुट क्या मिलेगा Y0। सेम ऐसे ही सभी के साथ करना है। नेक्स्ट देखिए, S0 का 0, S1 का 0 और S2 का 1 है, तो 0 0 1। तो ये देखिए, ये लाइन है हमारा 0 का, ये लाइन है 0 का और ये लाइन है 1 का और ये है इनपुट। ये चारों को एंड गेट के थ्रू जोड़ देते हैं, तो यहां से आउटपुट मिलेगा Y1। वैसे नेक्स्ट है 0 1 0, तो ये लाइन हो गया अपना 0 का, ये लाइन गया अपना 1 का और ये लाइन गया अपना 0 का और ये इनपुट। ये चारों को हम लोग एंड के थ्रू जोड़ देते हैं, ये निकला Y2। वैसे ही Y3 के लिए क्या है 0 1 1, तो ये गया लाइन अपना 0 का, ये लाइन गया 1 का और ये लाइन गया 1 का और ये गया इनपुट। इन चारों को यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो यहाँ से मिलेगा Y3। फिर है Y4 के लिए 1 0 0 है, तो ये लाइन गया 1 का और ये लाइन गया 0 का और ये लाइन गया 0 का और ये है इनपुट। इन चारों को हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो यहाँ से मिला Y4। फिर है Y5 के लिए क्या है, देखिए Y5 के लिए है
101, तो ये गया 1 का लाइन और नेक्स्ट है 0 का लाइन, तो ये गया 0 का लाइन और ये है 1 का लाइन। आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे डिजाइन बनाना तो बहुत आसान है, बस यहाँ पर ये देखना है कि आप गलत मत ले लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 5 देन 6 के लिए क्या है 110, तो ये है 1 का लाइन, बस ही नेक्स्ट है 1 का लाइन और ये है 0 का लाइन और ये है इनपुट लाइन। इन चारों को यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ से मिलेगा y6 और y7, तीनों 1 है, तो ये गया 1 का लाइन, ये गया 1 का लाइन, ये गया 1 का लाइन और ये गया इनपुट। अब ये चारों को हम लोग यहाँ पर जोड़ दिए तो यहाँ से मिला y7। सो फ्रेंड देखिए ऐसे डिजाइन करना है, ये हो गए हमारे 3 सिलेक्शन लाइन, ये हो गया इनपुट लाइन और ये पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारे आउटपुट लाइन। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इनपुट सप्लाई करेंगे, कौन सा आउटपुट एक्टिव होगा तो ये सिलेक्शन लाइन की इनपुट पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर आप इनपुट करते हैं 0 0 0 तो ये वाला जो आउटपुट गेट है ये एक्टिव होगा, यहाँ से इनपुट जाएगा देन यहाँ से प्रोसेस होने के बाद हमको यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा। वैसे इनपुट करते हैं आप 0 1 1 तो 0 1 1 इनपुट करेंगे तो आपका ये जो यहाँ से इनपुट हो रहा है, यहाँ सिलेक्शन लाइन का इनपुट हो रहा है, यहाँ से इनपुट हो रहा है, y3 वाला एक्टिव होगा देन यहाँ प्रोसेस होने के बाद हमको आउटपुट मिल जाएगा। तो जो भी सिलेक्शन लाइन में आप यहाँ इनपुट करेंगे उस बेसिस पे ये जो गेट है वो प्रोसेस होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये है डीमल्टीप्लेक्सर 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, जिसमें हम लोग देखते हैं n एक इनपुट होता है और यहाँ पर टोटल 8 आउटपुट होते हैं, जो कि इसकी जो आउटपुट होता है वो सिलेक्शन लाइन के इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स ये है डीमल्टीप्लेक्सर। आई होप आपको आज का ये जो वीडियो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियोस को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल नोट्स को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।